सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो फन क्या हो रहा है, एक मिनट रुकना। हाँ, सो फन क्या हो रहा है, हम सारे के सारे राइड पे जा चुके हैं। जस्ट गिव मी वन मिनट। हेलो बाबा, ग्रुप में लाइव लोकेशन शेयर कर दी, आ जाओ। सबसे पीछे थार में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो लास्ट वाला जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पूरी तरह हो नहीं पाया था, जस्ट बिकॉज खूब सारे काम करने होते हैं। पूरी की पूरे जितने मेरे थार ऑफ रोडर्स है, इस क्लब वाले, दे आर कंटिन्यूसली कॉलिंग मी। सो वापस स्टार्ट करते हैं और पूरा का पूरा पीछे की तरफ देखेंगे कि पूरा लाइनअप है। और मैं आज आप लोगों को एक स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहूँगा जो कि है मेरे साथ में। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और आप लोगों को मिलवाना पड़ेगा। तो मिलिए सार्थक से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो सार्थक आया ऑस्ट्रेलिया से। आई एम सो मच हैप्पी कि कोविड के बाद में पहला टाइम है जब हम साथ में मिल रहे हैं। सो सार्थक, मुझे भी बता क्या क्या फन होने वाला है, कुछ कुछ अंदाज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। मेरे को पता होता है कि मेरे पहुँचने के 24 घंटे के अंदर मुझे रैली, ड्राइव, कार या कुछ ना कुछ इवेंट मिलेगा। सो एज एक्सपेक्टेड हमको वो मिल चुका है, विच इज़ वेरी गुड। यस, मेरी एक फैमिली फ्रेंड मानसी यहाँ पे, इनको भी आज सनराइज देखने का, तो हम इनको साथ में लेके आए। बहुत क्रिएटिव है तो होपफुली अच्छी फोटोज लेंगे हमारी। यस, और हम फुल बदमाशी करने वाले हैं। इट्स गुड टू नो दैट ही हैज स्टार्टेड द होल क्लब फ्रॉम स्क्रैच, व्हिच इज ऑलवेज अ गुड थिंग। कुछ लोग हैं शायद मेरी ड्राइविंग से अपसेट हुए होंगे, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। सो मेरे साथ है चेतन, सो ही ऑल्सो ओन ए थार और हम थार ऑफ रोडर्स में साथ साथ हैं। और ब्लॉग पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब आपको मैं लेकर चलता हूँ सीधे के सीधे ड्रैग रेस के ट्रैक के ऊपर। तो एक अमेजिंग वाली सुबह और उसके साथ में सारी बाइक्स और कार्स आ चुकी है यहाँ पे। एंड ये है थार ऑफ रोडर। यू कैन सी सम अमेजिंग बाइक्स एंड अमेजिंग कार्स। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पे ड्रैग रेस। सो गाइस, दिस इज M4 और एक्रोबॉविक के इसमें एग्जॉस्ट लग रखे हैं। सो यू कैन फाइंड ए अमेजिंग, यू नो, अमेजिंग साउंड फ्रॉम दिस व्हीकल। बाबा कैसा कैसा लगा आपको मिले पराग से? अल्टीमेट अल्टीमेट फील है। और लाइनअप देखिए, अलग ही फील आ जाएगा।
सो पराग जो है ही इज हैविंग अ रीगल कस्टम, जो मेरी गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी इन्हीं के यहाँ कस्टम होती है। बाकी ब्रो अमेजिंग साउंड। तो गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये आवाज़ कैसी लगी आप लोगों को। सार्थक जा रहा है जल्दी और हम सब लोग फन कर रहे हैं। ये है मेरे सारे के सारे थार ऑफ रोडर्स। राइट, सो गाइज हम आ चुके हैं फिर से इस क्लब के पास में जो ड्रैग स्ट्रिप है वहाँ पे, मगर अब हम थोड़ा सा ऑफ रोड ट्राई कर रहे हैं और पूरे के पूरे थार ऑफ रोडर्स आ चुके हैं मेरे साथ में। सो इट्स गाना बी सो मच फन। धीरे धीरे, पहले एक बार आने दो, सबको आ जाने दो। लेफ्ट एंड स्ट्रेट, गाड़ी न्यूट्रल करके फोर हाई लगा दो। गाइज ये होता है अगर आपके पास सबके पास वॉकी टॉकी नहीं हो ना, तो थोड़ा आगे लो। बस यहीं रोक लो, यहीं रोक लो, आने दो, एक एक करके सबको आने दो। अब यहाँ से आगे लो हल्का सा और लेफ्ट उतार लो। हाँ यहाँ से लेफ्ट उतारो, अभी जस्ट बंपर नया लगा है। कोई बात नहीं, लेफ्ट उतारो तो सही, धीरे धीरे लेना। लैम्बो की नहीं इस यार। हाँ बिल्कुल धीरे धीरे स्ट्रेट उतारो। हाँ स्ट्रेट, हल्का सा राइट, हल्का सा राइट, हल्का सा राइट। हाँ हाँ अब हल्का सा राइट लो, नीचे उतारो, पूरा नीचे उतारो, एक मिनट, ठीक है। हाँ धीरे धीरे धीरे। हाँ अब लो, कोई बात नहीं, लो 4L पर, 4L लगा लो। बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ा आगे लो, आगे लो, आगे लो, आगे लो, आगे लो, बस यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। आओ लाइंस, सिर्फ लाइंस को चेक करो, जो पिछले वाले ने जो लाइंस यूज करी हमको भी वही लाइंस यूज करनी है। सो गाइस दिस इज सो मच फन। उधर की तरफ अलग सीन चल रहा है और इधर की तरफ अलग सीन चल रहा है। लो फोर लो भी लगा सकते हो। यस नाइस, छोड़ो मत छोड़ो मत, पीछे लो पीछे लो, वापस पीछे लो और फोर लो लगा लो, धीरे धीरे पीछे लो। यस हाँ धीरे धीरे जाने दो, बस खींच लो, हल्का सा आरपीएम बनाओ पहले और फिर खींच के लो। पहले पहले एक्सेलरेट करो फिर झटके से जाने दो, पीछे ले लो। हाँ काफी है, बस बस बस, अब हल्का सा पहले एक्सेलरेट करो, पहले एक्सेलरेट करो। पीछे लो, पहले पीछे ले लो, इधर से ले लो। आपने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करा ही नहीं करा, पहले ऑफ कर लो, ठीक है। आप खींच के लो। यस यस ऑसम ऑसम ऑसम। नेक्स्ट, सो एस क्लब की जो राइड है अभी लैम्बोर्गिनी आ चुकी है एक, सो हो सकता है जल्दी ही अब मैं आपको वो दिखाऊं, पर उससे पहले जितने भी ऑफ रोडर्स हैं इनकी सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वापस पीछे लो, आप तेज थे, ट्रैक्शन ऑफ करो कोने से, राइट हैंड साइड जो बटन है, फोर लो डालो। बस काफी है, फोर लो ले लिया। ले लिया, हल्का सा
जो एक्सेलरेट है ना उस पे पैर रखने से पहले ब्रेक दबाओ, पहले हल्का सा एक्सेलरेट खींचो और उसके बाद ब्रेक छोड़ देना। पहले ब्रेक लगाओ उल्टे पैर से, फिर एक्सेलरेट करो हल्का सा अब करके, और फिर ब्रेक छोड़ दो। वापस पीछे लो, हल्की सी लाइंस चेंज करो, जिन लाइन में आप हो ना वहां पर मिट्टी खुद चुकी है। बस हल्की सी लाइंस चेंज, ले लो, धीरे धीरे मत लो, तेज लो, तेज। गाइस होता क्या है, कई बार आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करने के चक्कर में और वो अटक जाती है। चलो चलो चढ़ के नहीं, क्योंकि आप एक्सेलरेट करो, प्यार मत करो, अब खींच के इधर उधर स्टेयरिंग घुमाओ। हमने इस बार क्या करते हैं, फोर लो दिस इज द बेस्ट ट्रिक, स्लो लो, आराम से लो और देख कर लो। ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, फोर लो है, पीछे लो और हल्का सा एक्सेलरेशन खींच कर लो, पहले हल्का सा मौसम बना के। बस हल्का सा एक्सेलरेट करो, फिर क्लच छोड़ो, बस सॉर्टेड। नेक्स्ट, सो नाउ इट्स टाइम फॉर रगेड रेंजर। आई नो ये हो ही जाएगी इस बार, मतलब पहली बार है इनका तो, पर ले जाएंगे ऊपर। ट्रैक्शन ऑफ फोर लो पीस ऑफ केक। सो गाइज, अगर आप अपनी गाड़ी को हल्का सा भी ऐसे छोड़ते हो ना, कि होता है ना कुछ ख़राब ना हो टाइप वाला, तो उसमें होता क्या है, गाड़ी पे वो पावर ही नहीं आता, इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम आती है। सो आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक तो टायर प्रेशर कम कर सकते हो, दूसरा जब भी आप डिपार्चर और अपार्चर एंगल देख रहे हो वैसे आप पहले मोमेंट बनाओगे, हल्का सा मोमेंटम, और फिर कैरी करोगे। सो होता क्या है, जब सारी की सारी गाड़ियाँ आप ही के साथ होती है ना, तो आप किसी में भी ऐसे लटक सकते हो। इधर लगा दो राइट में, मतलब लेफ्ट में, बस स्विच की तरफ गाड़ियों को। सो गाइस, ये भी अच्छी ट्रिक है कि आप अगर सूरज की तरफ फेस करोगे, मतलब सामने की तरफ, तो इट्स गुड, फोटो अच्छी आएगी। बोलू बाय, इतने फोकस से गाड़ी चला रहा है भाई साहब, इसने जिंदगी में कोई काम फोकस से नहीं करा। बोलो
बाबा बाय, सी यू, चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट राइड। सो गाइज, बहुत मज़ा आया, अच्छी अच्छी। एक्चुअली मैं ना इस बार ऑफ रोडिंग कराने लग गया था, सो मैं जो ड्रैग रेसेस थी उसको उतना इन्जॉय नहीं करा, पर आपने मेरे पहले भी व्लॉग्स में इस जगह को देखा है और जयपुर की बेशकीमती जगहों में से एक है जहाँ पे सारे के सारे कार लवर्स एक जगह खड़े हो सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और इट वॉज़ फन, इट वॉज़ रियली फन। तो मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना है तो, और मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं और नई गाड़ियां, नए लोग, नए कंटेंट के साथ में। बाय बाय। तो चेतन बाबा, अब चलते हैं वापस अपने अपने काम धंधों पर, मिलते हैं अगली राइड के ऊपर।